ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपए ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। मेरी इच्छा ये है, अगर मुझे लीगल एडवाइस मिलेगी तो नई सरकार बनते ही जो भी कानूनी प्रावधान करना पड़ेगा, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, तो मैं ये जो 3000 करोड़ रुपया है, जो गरीब लोगों का पैसा है, कि जो 3000 करोड़ रुपया ईडी ने अटैच किया हुआ है, वो 3000 करोड़ रुपया गरीबों का पैसा है और वो उनको वापस देने के लिए कोई न कोई रास्ता मैं खोजूंगा, ये जरूर बताइए आप लोगों को। देखिए ये जुमला है, आमचा काय प्रॉब्लेम होता मी तुम्हाला सांगतो, आमच्या सगळ्यांचा एवढा दृढ विश्वास होता, इतका प्रखर आत्मविश्वास होता की आयुष्यात आम्ही कधी राज्यावर येतच नाही याबद्दल आमच्या मनात पूर्ण विश्वास होता। त्यामुळे आमच्या आजूबाजू लोक काय म्हणे, बोला ना, सांगा ना, बिघडतं का, तुम्हाला कोणता जबाबदारी येणार आहे, आता आमचं राज्य येऊन गेलं।